मेरा मामा लगता है
इसे मेरा शौक है, इसलिए आज एक मामा के सामने एक भांजे को झुकना पड़ेगा। महाराज आज ऐसा नहीं, आप मुझे सोते हुए जगाए हैं। रत्नों से जटी जटी उसका क्या समाचार है और मुझे सोने का क्या कारण है? लंकावासी कुशल से है, परंतु लंका में घटना हो गई है। मामा तुम मेरे मामा हो, और जब 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 अपने को कष्ट होता है तो लोग अपने के पास ही जाते हैं। मरीज बाबा, मरीज मेरे ऊपर छोटी सी बिपदा आई है, तुम उसमें मेरी सहाय करो। हो बैठ जाता है, हुआ खड़ी हो सीते में जगह बैठ जा। तो लड़के राजा दशरथ ने, ध्यान से सुनो, जो लड़के राजा दशरथ के वो कंजक कन में आए हैं, कंजक के उपद्रव करते हैं, अपने बल पे ही कराए हैं। तक सभी बच्चों ने मामा उन तपसी बच्चों ने बन में करनी बेहुदा की भी है। ध्यान से सुनो, कर दू सर तिसना मार दिए, नकदी तीस पर बाखा दी है। इसका लंका धीरा धीरा वर्दा पान किया है, उन्होंने हुआ है। इसका पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कचकई नाग भगनी की दो भार्याओं की हर लेना है। मामा तू बड़ा मायावी है, तू रूप बदलने में बड़ा माहिर है, तू चल कर माया बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मैं उन
राम और लक्ष्मण को भी लिखा भी आता है। हे लंकेश, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो लंकाधिपति महाराज रावण को साधारण मनुष्यों से तुलना करते हो। हे महाराज मारी, हे लंकेश, मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया। महाराज ओह विश्वामित्र छुटा प्राण रखो मैं है अध छुटा प्राण रखो मैं है जिसने जाएगा प्राण पखेरू तो पिंजरा समेत